हे नमस्कार। अभी देखिए हम यूपी में बात कर रहे हैं तीसरे चरण की जो टोटल 10 लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में है। इसमें देखिए हम एग्जिट पोल के माध्यम से जानेंगे आखिर ये जो 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है यूपी में तीसरे चरण में, इनमें क्या हो सकता है, कितनी सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, कितनी सीटें महागठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं, सारे 10 सीटों का नतीजों को जानेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे पहला काम करो, चैनल को नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन निकलो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। तो देखिए यूपी की राजनीति में भूचाल लिखा दे, भूचाल आने ही वाला है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस यहां पे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अगर जो आपको जानना है यूपी के हर नतीजों के बारे में, सबसे पहले एग्जिट पोल तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। चलो जानते हैं क्या क्या चीजें यहां पे होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इन जो 10 सीटों जो तीसरे चरण में है यूपी की 10 सीटों में होने वाले चुनाव, इनमें से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन बात करें इस बार जो नतीजे आ रहे हैं, जो सर्वे जो पोल आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें फिरोजाबाद सीट के बारे में। फिरोजाबाद सीट हम कह सकते हैं महागठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से शिवपाल यादव की बात करें तो ये अलग से अपनी पार्टी बना ली है लेकिन यहाँ से इनकी जीतना तय माना जा रहा है। फिरोजाबाद सीट शिवपाल यादव जीत सकते हैं, यानी कि ये भी सीट बीजेपी के हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करें पीलीभीत से जो मेनका गांधी थी इनको ट्रांसफ़र, यानी कि कह सकते हैं इनको सुल्तानपुर भेज दिया गया है और यहाँ पीलीभीत सीट से इस बार वरुण गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन ये सीट बीजेपी फिर से जीत रही है, यानी कि वरुण गांधी जीतते हुए नजर, यानी कि पीलीभीत सीट बीजेपी जीत रही है। नेक्स्ट बात करें अगर जो हम बरेली की सीट की बात करें तो यहाँ से संतोष गंगवार को टिकट मिला है और यहाँ से भी बीजेपी जीत रही है। तो बरेली वाला सीट भी बीजेपी जीत रहा है। टोटल 10 सीटों का हाल जान रहे हैं हम तीसरे चरण की लोकसभा सीट में यूपी के 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम रामपुर सीट के बारे में, बहुत कांटे की टक्कर कह सकते हैं यहाँ पे आजम खान और जयप्रदा के बीच होने वाला है। इनमें कभी जयप्रदा की ओर पलड़ा भारी हो रहा है, कभी आजम खान की तरफ। इसमें कह सकते हैं हमारे आजम खान जी अभी कह सकते हैं ये यहाँ पे जीत रहे हैं और जो इसमें जीत हार का जो अंतर होने वाला बहुत कम होने वाला, ठीक है। तो रामपुर की जो सीट है वो आजम खान के ओर जा सकता है। नेक्स्ट बात करें मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद भी यहाँ पे बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। संभल भी बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें आंवला सीट, ये भी बीजेपी के खाते में नहीं आने वाला इस बार। बदायूं सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं आने वाला। नेक्स्ट बात करें अगर जो हम एटा मैनपुरी, ये दोनों सपा के हाथों यानी कि महागठबंधन के पास जाने वाला है। उसके बाद ये टोटल 10 सीटें थी जिनका हाल मैंने आपको बताया और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देख सकते हैं बीजेपी को सिर्फ यहाँ पे तीसरे चरण में सिर्फ बरेली की सीट मिल रही है और यहाँ पे पीलीभीत की सीट मिलती नजर आ रही है और टोटल 10 सीटों का हाल मैंने बताया यहाँ पे और जो 8 सीट है वो यहाँ पे गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे 73 सीटें बीजेपी ने जीती थी सिर्फ यूपी से, और मैंने सर्वे में बताया जो मैंने वीडियो आज मॉर्निंग में अपलोड किया था यूपी में कितनी सीटें जा रही हैं, लगभग 35 से 40 सीटें सिर्फ यूपी जीत रही है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।